तो देखिए आज मैं लेके आई हूँ मजेदार सी रेसिपी, धनिया के लड्डू। टेस्टी से बना के और खा सकते हैं गर्मियों में। ये खासकर गर्मियों में खाने के लड्डू हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, संतोष किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ गर्मियों के लिए धनिया का लड्डू। तो देखिए धनिया का लड्डू गर्मियों में ही खाए जाते हैं, जिसके आंखों के दिखने की प्रॉब्लम हो उसके लिए, सिर के दर्द के लिए, हाथ पैरों के दर्द के लिए बहुत अच्छा रहता है धनिया का लड्डू बना के, और जरूर खाना चाहिए गर्मियों में। तो आज मैं बनाऊंगी धनिया का लड्डू। इसको मैंने अच्छे से कपड़े से वॉश कर लिया। ये लिया है 3 चम्मच मिश्री का पाउडर बना के। आप बूरा भी ले सकते हो, ज़्यादा बेटर मिश्री रहेगी तो इसलिए मैं मिश्री डालूंगी इसमें। ये लिया है 10 से 15 में किशमिश, और ये लिया है कद्दू के बीज, और ये 10 से 12 बादाम। तो धनिया को क्या करना है, पीसना है, तो पीस लेते हैं मिक्सी में। तो धनिया को पीस के और तैयार कर लिया पाउडर। तो आप चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे रख दी कढ़ाई, तो इसमें डालेंगे घी। तो 1 चम्मच मैं देसी घी डाल देती हूँ कढ़ाई में। अब घी को कर लेते हैं मेल्ट। तो घी मेल्ट हो गया। जो बादाम हमने ले रखे ये बादाम डाल देंगे, और इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे हल्के से। तो 2-3 मिनट हो गई, बादाम का कलर भी चेंज हो गया, तो बादाम फ्राई हो गए। अब इनको निकाल लेते हैं। तो बादाम को निकाल लिया, अब डाल देंगे इसमें पिसा हुआ धनिया। घी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ घी नहीं डालेंगे, तो मेरे को लग रहा है घी कम रहेगा, तो वो डाल लेते हैं थोड़ा सा। तो 1 चम्मच घी और डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, और इसको आप मीडियम गैस पे 6 से 7 मिनट पकाएंगे कलर चेंज होने तक। तो 4-5 मिनट हो गई, यहाँ का कलर चेंज भी हो गया। अगर आप सेकना चाहो तो सेक सकते हो, नहीं तो बिगर शेप के भी लड्डू बनते हैं धनिया के। तो हम 2-3-4 मिनट सेक लेंगे लो फ्लेम पे, तो और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और लो फ्लेम पे ही सेकेंगे इसको, मीडियम पे भी नहीं सेकेंगे, और ज़्यादा नहीं सेकना, 3-4-5 मिनट से ज़्यादा नहीं सेकेंगे। अब गैस को कर देंगे बंद, और बूरा डाल देंगे इसमें। इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। मिश्री आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, कम ज्यादा। तो 2-3 काले इलायची लिए मैंने, 3, इसको भी कूट लेते हैं। इलायची भी डाल देंगे इसमें। अब जो हमने बादाम सेक रखे थे घी में, फ्राई कर रखे थे, उनको भी थोड़ा थोड़ा फोड़ देते हैं। तो बादाम को भी कूट लिया, ये भी डाल देंगे इसमें। जो किशमिश और कद्दू के बीज भी डाल दिए, अब ये अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। तो इसको कर लेते हैं थोड़ा ठंडा। तो प्लेट में डाल दिया, और इसको ठंडा करते हैं, देखते हैं लड्डू सही बनते हैं नहीं। तो इसके लड्डू नहीं बन रहे अच्छे से। तो क्या करना है इसके लिए, 1 चम्मच घी डालेंगे इसमें, तया हुआ, बिगड़ तया घी नहीं डालेंगे, तया हुआ ही घी डालेंगे, मेल्ट करा हुआ। तो इस हिसाब से घी और डाल लेंगे। धनिया के लड्डू में बाद में भी घी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से कर लेते हैं मिक्स इस हिसाब से। थोड़ा गर्म लग रहा है मेरे को, अभी इसको ठंडा करने की ज़रूरत है, तो अभी वो ठंडा कर लेते हैं 5 मिनट, फिर बनाएंगे लड्डू। तो देख लेते हैं, 5 मिनट हो गई, ठंडा भी हो गया, आसानी से हाथ दे सकते हैं। तो बना लेते हैं लड्डू इसके, ऐसे देखते हैं छोटे बड़े
जो भी हिसाब से आप बनाना चाहो उस हिसाब से बना सकते हो। देखिए ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बड़े छोटे बच्चे सब खा सकते हैं। ये खासकर गर्मियों के लड्डू हैं, सर्दियों में नहीं बनाए जाते। तो देखिए कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं, इस हिसाब से सारे लड्डू बांध लेंगे। दूसरा भी लड्डू बना लेते हैं। तो देखिए लड्डू बना के और तैयार कर लिए, कलर इनका ऐसा ही रहता है ग्रीन, तो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो गर्मियों में आप भी जरूर लड्डू बना के और खाइए और खिलाइए। तो आज की रेसिपी कैसी लगी मेरे को जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज को सब्सक्राइब करें, आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देखिए लड्डू, वाओ कितना टेस्टी लग रहा है। तो आज के लिए थैंक यू।